अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वैसे तो उनके किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका काम, उनका एक्सपीरियंस और उनका इंटेलेक्ट भी उनके तारुफ के लिए काफ़ी है। डॉक्टर अब्दुल मलिक बलोच साहब की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बलूचिस्तान के। 2013 से लेकर 2015 तक सर ने एज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान सर्व किया। और इनके पास ये डिस्टिंक्शन भी है कि पाकिस्तान के पहले बलूचिस्तान के ऐसे चीफ मिनिस्टर थे कि जो कि एक नॉन ट्राइबल लीडर है, एक अवामी इंसान है, एक अवामी शख्स हैं। एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में बहुत काम है, बहुत खिदमात हैं। और इस सब के अलावा सबसे पसंदीदा बात जो मेरी है वो ये है कि सर की एक बड़ी ख़ास नज़र रहती है और बड़ी ख़ास दिलचस्पी है अदब के साथ। लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और एक बाशऊर पॉलिटिशियन पार्लियामेंटेरियन है। एक ऐसा इम्तिज़ाज है सर कि जो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आज इन्होंने वक्त निकाला है, हमारे साथ बैठे हैं, तो कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दों पे कि जिनके ऊपर शायद बात होती नहीं है, और अगर होती है तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं होती कि जिस पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि सर के तजर्बे से भी फ़ायदा लें और सर के कुछ एनेक्डोट्स भी सुनेंगे और एक बड़ी कैंडिड किस्म की गुफ्तगू की तरफ चलेंगे। तो वेलकम सर। बड़ी मेहरबानी जी आपने, मैं आपके अदारे का, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इजहार राय के एक और ज़रिए से मुतारफ करवाया जो इससे पहले मैं नहीं था। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो इतना मैं लाइक नहीं हूँ जितना आपने बोला। सर बिल्कुल भी नहीं, असल में हमारी पहले यही कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि पॉडकास्ट इटसेल्फ क्या होता है। जी आजकल ये लफ्ज़ हम हर जगह सुनते हैं, तो सर के साथ गुफ्तगू में भी सबसे पहला मसला तो ये है कि यार पॉडकास्ट और इंटरव्यू में फ़र्क क्या है, क्या ये ऑडियो होगा, क्या ये रेडियो भी होगा। तो वो भी हमारी बड़ी एक दिलचस्प गुफ्तगू चली है। सर थोड़ा सा अगर मसाइल की तरफ देखा जाए तो आज हर एक शख्स परेशान है, हर एक इंसान जो सुबह उठता है और रोज़ी कमाने के लिए निकलता है वो किसी न किसी मुश्किल में घिरा हुआ है। और आज जिन टॉपिक्स पे पहले कहीं ना कहीं सिर्फ रिसर्चर्स, एकेडमिक्स, एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स बात करते थे, आज हर एक कॉमन इंसान चाहता है कि उनके ऊपर बात हो और उसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। पॉडकास्ट भी उसी का एक ज़रिया है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि एक आम इंसान तक भी वो वाली इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँच सके। तो सर मुश्किलात की जिस तरह से मैंने जिक्र किया, आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान की मुश्किलात में से इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी है? क्या वो इकोनॉमिक इशू है, क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई गैप है, क्या एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म हमारा इशू है? तो सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान को जो एज अ नेशन हम जो फेस कर रहे हैं वो क्या है सर आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में सर ये जो मंतकी नतीजा है उन सियासी, माशी, सकाफती और खारजा पॉलिसी की गलतियों की जो हम कई दहाइयों से करके आ रहे हैं, उसकी मंतकी नतीजा है कि आज यहाँ पे हम माशी बुरहान में हैं, सियासी क्राइसिस में हैं, कल्चरली हम इतना जो है ना एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, और यहाँ मुसबत इकदार की बजाय मनफी इकदार ने यहाँ जन्म ली है। और होना तो ये चाहिए था कि 75-76 सालों में हमारा जो सियासी निज़ाम था वो बालिग होता, यहाँ जमहूरियत होता, पार्लियामेंट की बालादस्ती होती, अवाम ताकत का सरचश्मा होता, और यहाँ इस जब पॉलिटिकल इस्तेकाम आएगी तो फिर उसके साथ साथ माशी बुरहान नहीं आएंगे बल्कि माशी तरक्की होगी। हर आदमी को तालीम मिलना चाहिए था, सेहत और दूसरे, लेकिन हमने बुनियादी तौर पर जो हमारी एक क्लास है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान के अशरफिया, उसने इख्तियारात को कभी मार्शलाओं की शक्ल में, कभी सोकॉल्ड जमहूरियतों की शक्ल में, कभी केयरटेकरों की शक्ल में, उसने वो काम नहीं की जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हो।
उन लोगों ने वो काम की कि उनकी तबकाती हैसियत को मज़ीद वसत मिले, माशी तौर पर, सियासी तौर पर वो स्ट्रांग हों। तो मैं समझता हूँ कि और ये क्लास हर जगह पे मौजूद है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे फौजी हैं, चाहे मीडिया मैन हैं या जजेस हैं। तो आप देखेंगे जो भी एक दफ़ा रिटायर हुआ उसके अरबों रुपए के ख़जाने निकल आएंगे। जब तक वो पोस्ट पे है वो बड़ा मासूम है, बहुत शरीफ है, बहुत आजीजी से मिलता है, देन सडनली अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं कि उसके फलाने शहर में इतने अरब रुपए के जायदाद हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमने पाकिस्तान को शुरू से उसमें वो बुनियादी असलाहत नहीं की। फ़र्ज़ करें हमने जमहूरियत को और अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं माना शुरू से। लियाकत अली खान और कायद आज़म के बाद साजिशों का एक जाल बिछ गया। इसके बाद हमने यहाँ वो बुनियादी रिफॉर्म नहीं की जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म, बिल्कुल सही, जिससे जो है ना आम आदमी को फ़ायदा पहुँचता। पॉइंट वेरी वेल मेड सर। बाकी जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता कि जब तक आपके पास सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, और सियासी इस्तेहकाम का मतलब ये है कि जब एक सिस्टम के ऊपर एग्री कर लिया एक एज अ नेशन कि हमने एज अ डेमोक्रेसी गवर्न करने अपने आप को, तो डेमोक्रेसी को अपनी असल शक्ल में रहने नहीं दिया जाएगा, तो ये वाले मसाइल जनरेट होंगे। सर यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और स्पेशली पिछले कुछ सालों में तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड हो गए। उसकी एग्जांपल इस तरह से है सर कि आज एक ही घर में एक ही ख़ानदान के दो लोग होंगे, लेकिन कोई एक किसी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता होगा, दूसरा दूसरी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता होगा, तो उनके आपस के पर्सनल ताल्लुकात तक ख़राब होना शुरू हो गए। और फिर वो शो डाउन हमें रोड्स पे भी नज़र आता है, वो हमें वर्क प्लेसेस में भी नज़र आता है, वो हमें बिज़नेस की जगह पे भी नज़र आता है। तो वो जो रिफ्ट है, वो जो वो जो एक अपना डिवाइड है वो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को सर आप कैसे देखते हैं कि क्या ये पॉलिटिकल, मेरा जो बुनियादी वो है तजिया है, देखें पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रियासत की एक अहम तरीन पिलर है कि उसको पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत को रियासत चलाना है, रियासत में रिफॉर्म लाना है, रियासत में वो पॉलिसियाँ देनी है जो उसके अवाम के हक में हो। बदकिस्मती से हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनमें वरासत मौरूसियत ज़्यादा है। वो जो एक इर्तकाई तब्दीली आती है थ्रू एक इर्तकाई हवाले से वो इस तरह नहीं हुए हैं। अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत से पार्टियां, बहुत से लीडर्स रातों रात पैदा हुए हैं और उनको पता नहीं कहां से कहां पर पहुंचा दिया। बिल्कुल ठीक सर। क्योंकि जब एक सियासी वर्कर अपना अमल शुरू कर लेता है तो उसको भूख से वास्ता पड़ता है, जोरावरों के हाथों जो है ना उसके जो है ना तानों में और उनकी उसमें कोर्ट जेलों में उससे अजियत नाखानों से गुजरना पड़ता है, और वो मार मार करके या एक बड़ी मुश्किल के बाद, मतलब जब हम पीछे देखते हैं कि वो भी एक ज़माना था हम अपने पोस्टर भी खुद लगाते थे, हमारे यहाँ तो कुर्सियाँ नहीं होती थी, वो जो हमारे बलूची पीश के जो है ना वो होते थे वो भी हम लोग खुद बिछाते थे और नारे भी खुद लगाते थे, जवाब भी खुद देते थे। तो ये एक प्रोसेस है, फिर तब जाके आपको पता चलेगा कि यार जब आप भूखे रहेंगे तो भूख का आपको एहसास होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है आप इसमें अगर कंपेयर करें दुनिया में, मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा, जॉन मेजर
और बेनज़ीर को अगर आप कंपेयर करें, बेनज़ीर बहुत पढ़ी लिखी ऑक्सफोर्डियंस, जॉन मेजर एक टीचर, वो इसलिए उसने डिलीवर की कि उसके पास एक सिस्टम था, सिस्टम ने डिलीवर की। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, आपने जिस तरह भी जिक्र किया ट्राइबल लीडर्स का, जागीरदार सरदार का, आपको जैसे मैंने पहले शुरू में भी बताया कि आपके पास ये डिस्टिंक्शन है कि बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला ऐसे कि जो एक नॉन ट्राइबल लीडर थे, आपने हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई भी मिडिल क्लास के साथ किया। मेजॉरिटी जो हमारी मुल्क की है वो ज़ाहिर मिडिल क्लास तबका है, और आप एक अवामी शख्सियत है, अवामी सियासत की है। सर, आपको भी क्या फ़ील होता है कि दो तीन सालों में जितने ही इकनॉमिक क्राइसिस आया है, आपको पर्सनली भी कोई इफेक्ट हुआ सर ये इकनॉमिक क्राइसिस? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे जो बड़े एलीट्स हैं सर, हम तो अब ये नहीं कह सकते कि हम लोग मिडिल क्लास के हैं। अब तो दो क्लास हो गए पाकिस्तान में, या नीचे या ऊपर है। इस क्राइसिस ने मिडिल क्लास खत्म कर दी, मिडिल क्लास ऑलमोस्टली खत्म हो गया, मेरे नज़दीक तो खत्म हो गया है सर। क्योंकि अब अगर मिडिल क्लास के पास किसी ज़माने में कारगाड़ी होता तो वो कारगाड़ी नहीं रख सकता है, ठीक है ना, वो एक अच्छा घर नहीं रख सकता है, वो अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में तालीम नहीं दिलवा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशी बुरहान है, मासवा है, जो आपका अपर क्लास है जिसमें सब तो वो शामिल हैं, बाकी तो आम लोग तो दो टाइम के जो है ना रोटी के लिए जो है ना बिल्कुल वो हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान अगर हो या पंजाब का गरीब हो या सिंध का हो या सरायकिस्तान का हो या पख्तूनख्वा का, गरीब का जो रूह है वो हर जगह है, कैसे नाम चेंज है उसका। सर, आपसे सवाल करने का जो है ना वो एक रीज़न ये भी था कि आप हालांकि एक वज़ीर आला रहे हैं और एक बहुत लंबा आपका तवील अरसा है पॉलिटिकल करियर का, लेकिन आपका रहन सहन, आपका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, और आपकी जो एक तरह से एक नब्ज़ के ऊपर, सोसाइटी की नब्ज़ क्यों कहते हैं ना कि उसके ऊपर पकड़ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि क्योंकि आपका अपना काफ़ी वक्त जो है वो अवाम में ही गुजरता है, अवामी मसाइल के साथ ही आप चलते हैं, और आपने अपने वजारत आला के दौर में भी दो बड़े सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा काम किया था जिसमें तालीम और सेहत सबसे ऊपर थे, और ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि जो चाहे मिडिल क्लास है या चाहे लोअर क्लास है, जो मेजॉरिटी है हमारे मुल्क की, उनका मसला ये है सर कि तालीम मिल जाए, सेहत मिल जाए, और खाने का जो वो है सामान वो फराम हो जाए, तो उसके अलावा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को है नहीं। तो सर, ये सवाल करने का मेरा मकसद ये है कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त आप जो स्टेट ऑफ एजुकेशन और स्टेट ऑफ हेल्थ है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में इतना मिसमैनेजमेंट जो बलूचिस्तान के इन दोनों अदारों की है, बल्कि सब की है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। हालांकि मैंने अपनी बजट को अच्छी खासी, जब ये कोविड का ज़माना था तो हमारी बजट जो आता है कोई 25-30 जो है ना उसकी वॉल्यूम्स है, तो जो वॉल्यूम्स अक्सर हम नहीं पढ़ते थे, मैंने वो वॉल्यूम पढ़ना शुरू किए कि हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज कितने हैं, स्कूल कितने हैं, BHU कितने हैं। मैं समझता हूं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे बड़े हैं, 3 से 2 से 3 कॉलेजेस, 4 कॉलेजेस मौजूद हैं, अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये मिसमैनेज्ड है। हमारी तनख्वाहें और नॉन डेवलपमेंट में 86 बिलियन सिर्फ एजुकेशन का है, वो जो 2-3 साल पहले की, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, तकरीबन 58% जो है ना वो हेल्थ पे है। तो हमने इसको मिसमैनेज किया है, इसलिए मिसमैनेज किया है कि जो हमारा इलीट्स है या जो अमूमन इक्तदार में उसका शेयर ज़्यादा है, वो इन चीज़ों को अपने लिए ख़तरा समझता है, ख़ास तौर पर एजुकेशन को। तो जब एजुकेशन होगा तो एक बराबरी का कंसेप्ट आएगा, जब आप एजुकेटेड होंगे, आप फाइनेंशियली जो है ना विल ऑफ होंगे, तो वो जो एक एम्बेलेंस है समाज में,
वो ख़त्म हो जाती है जिसको हमारा अशरफिया नहीं चाहता है बलूचिस्तान में। सर आपने अपने दौरे हुकूमत में एजुकेशन पे बहुत काम किया, इनफैक्ट काफ़ी रीइंबर्समेंट प्रोग्राम्स भी आपने लॉन्च किए उस दौर में। तुर्बत यूनिवर्सिटी, तुर्बत इनफैक्ट सर का जो ताल्लुक है वो भी तुर्बत से, तो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब की काविशों की वजह से तुर्बत में आज लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा सर बलूचिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि मकरान टोटल टू ही नंबर पे पाकिस्तान में, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो सवाल सर मेरा ये है कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया अपने दौरे हुकूमत में कि जिसकी वजह से लिटरेसी रेट भी बढ़ा और हेल्थ में भी आपकी जो खिदमत थी, अगर थोड़ा सा उनके ऊपर रोशनी डालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक्चुअली हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिली 93-96 से, तो उस ज़माने में मैं मिनिस्टर एजुकेशन था, वहाँ पर हमने वर्ल्ड बैंक के तावन से एक प्रोग्राम शुरू किया था गर्ल्स, उसमें कि जहाँ हमें 10-20 बच्चियाँ और एक मिडिल पास टीचर मिलेगी वो हम भर्ती कर लेंगे। तो ये हमने तमाम बलूचिस्तान में इसको शुरू की, और जब लोगों को आपने अपॉर्चुनिटी दी तो उनको पता चल गया कि जी मैं अगर मिडिल पास हूँ तो मुझे 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी, तो इससे एक थ्रस्ट पैदा हुई और आज वही मिडिल पास आज माशाल्लाह पीएचडी है। तो जब हमें 96 के बाद जब मौका मिला, तो जब मैं आया तो एजुकेशन का बजट 4% था, तो मैंने 21 साल में उसको 26% पे ले गया। ये सर प्रोविंशियल बजट, प्रोविंशियल बजट की बात कर पे ले गया। तो इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज था जो नेशनल अवामी पार्टी ने खोला था, बोलान मेडिकल कॉलेज, हमने 3 मेडिकल कॉलेज खोले, एक तुर्बत में, एक खुजदार में, एक लोडलाई में। 6 अपने मेडिकल कॉलेजों को हमने अपग्रेड की, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, 3 नए यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें मतलब लोडलाई था, खुजदार था, तुर्बत था, इंजीनियर कॉलेज खुजदार को हमने अपग्रेड की, बोमलान मेडिकल कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, जरी कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इसी तरह से जो सबसे बड़ा हमने काम की कि पुलिस में और टीचर में, वो हमने NTS के साथ जरिए करवाए, उसमें कोई सिफारिश नहीं हुआ। अच्छा, तो हमने कोई 5,000 से ज़्यादा जो है ना टीचर भर्ती किए जिसमें एक ने अंगुली नहीं उठाई कि ये सिफारिश ही है। फिर हमने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन को रीऑर्गेनाइज की, क्योंकि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन बहुत था 2013 से पहले, उसको रीऑर्गेनाइज की, माशाल्लाह आज हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छे बच्चे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो उस दिन भी बल्कि बात भी हो रही थी। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी। फिर हमने पावर को डिसेंट्रलाइज की, मतलब जो परचेजिंग का सिस्टम था उसको हमने क्लस्टर बेस किया कि एक हाई स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, 5 प्राइमरी स्कूल, फॉरिंग, ये जो परचेजिंग होती थी क्वेटे में उनको हमने सबको स्कूलों में भेज दिया। हेडमास्टर जो था होता था उसका, वो उन पैसों के जो ज़रूरत होती थी सर। पहले तो कराया उसमें जो है ना, पहले वाउचर सिर्फ जमा होते थे क्वेटे में, अब हमने इनको जितने पैसे थे परचेजिंग के उनको हमने डिवॉल्व किया क्लस्टर सिस्टम का नाम देके। तो ये वो बुनियादी रिफॉर्म थे जो आस्ता 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 आस्ता, इसी तरह हेल्थ में भी जब हम आए तो हमारा हालत बुरा था, तो हमने रिवैम्पिंग की जितनी हमारी टर्शरी हॉस्पिटल थे, और परचेजिंग भी हमने की, कोई 7,000 के करीब जो है ना हमारे लेडी हेल्थ वर्कर थे उनको हमने रेगुलराइज की, 5,000 के करीब आगाज़ हुकूक के टीचर थे जो लटके हुए थे फेडरल गवर्नमेंट से, उनको 15,000 रुपये पिछले कई सालों से दे रहा था, उनको फिर हमने रेगुलराइज की। तो मतलब ये है कि अगर आप काम करना चाहें तो काम हो सकता है, लेकिन यह है कि अगर आप कहें कि जी आप काम नहीं करें और फिर आप रातों रात नई पार्टियां बनाएं, रातों रात जो है ना जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको हराएं, तो फिर तो यही होगा जो अभी बलूचिस्तान में हो रहा है। अच्छा सर, ये बड़ी अहम बात आपने की है, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात कीजिए बलूचिस्तान की स्पेशली, क्या वजह सर कि बलूचिस्तान बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी पिछले 75 सालों में कोई नेशनल पार्टी नहीं बन सकी? मतलब हम देखते हैं कि सिंध की एक पार्टी उठती है और वो
इतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है कि आज हम उसे पीपल्स पार्टी के नाम से जानते हैं, नेशनल पार्टी, PMLN पंजाब बेस्ड। फिर ANP का भी काफ़ी अर्सा इन्फ्लुएंस रहा और काफ़ी एक अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। बलोचिस्तान एक तो पार्टीज़ के उस तरह से आम लोगों को नाम भी नहीं याद होंगे शायद, क्योंकि हर दूसरे दिन जिस तरह आपने बताया कोई नई पार्टी वजूद में आ जाती है और चेहरे वही होते हैं लेकिन पार्टी का नाम बदल जाता है, तो क्या वजह देखते हैं सर आप? मैं थोड़ा सा इसको कहूँ कि जब 1957 में नेशनल अवामी पार्टी बना था, जो बलोचिस्तान के मिगलोजू की पार्टी, अस्तमंगल था, अब्दुल खान शहीद की पार्टी थी, अपना गफार खान का पार्टी मिलके जब उसने बनाई, तो ये पाकिस्तान की उसके साथ पाकिस्तान के बाएं बाजू के लोग भी शामिल थे जी। तो वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं और अयूब खान मार्शल लॉ नहीं लगाता तो नेशनल अवामी पार्टी जीत जाता। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि उनको डर था, फिर जब अयूब खान आया तो इन सबको जेलों में डाल दी, 20-20 साल तक, 18-18 साल ये जेलों में गए, जिसमें मीर साहब भी थी, समद खान शहीद भी थे और गफार खान भी थे, गुल खान नसीर, बाद में खैरबश खान, नवाब खैरबश मरी, सरदार अताउल्ला खान, ये सब जेलों में थे। फिर जब 1970 में वन यूनिट ख़त्म हुआ, फिर इलेक्शन हुए, नेप फिर भी जीत गया था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, बंगाल में अवामी लीग जीता, सिंध और पंजाब में पीपल्स पार्टी, वहाँ अवाम। लेकिन बात यह कि वो एक बड़े वजनी नज़रियाती लोग थे, वो इस्टेब्लिशमेंट को वारा नहीं कहता था, उन्होंने नैब पे बैन लगाई, नैब के लीडरों को जो है ना जेल में डाला। उसके बाद फिर हमारी बदकिस्मती शुरू हुई कि हमारे जितने जो है ना पंजाब के दोस्त थे, सिंध के दोस्त थे, पश्तून और बलूच पोलराइजेशन होगी, फिर बलूच और बलूच पोलराइजेशन हुई। तो उस ज़माने में, अब चूँकि हम वन वे और अदर, कुछ पार्टियाँ हैं जो नैब के, मतलब जैसे नेशनल पार्टी है हमारी या BNP है अख्तर महंगल की, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है अपना महमूद खान नचगी साहब की, या अपना नेशनल अवामी पार्टी है, ये उस पार्टी के हैं, ये पार्टियाँ अपनी जगह पे हैं। हमारे यहाँ जो इलेक्टेबल्स हैं, जो हमारा अशरफिया है, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, मतलब 2002 के इलेक्शन में वो मुशरफ के साथ है, मुस्लिम लीग काफ में, बिल्कुल ठीक, हुकूमत कर रहे थे, 2008 में ये सब पीपल्स पार्टी में चले गए, 2013 में ये सब मुस्लिम लीग में चले गए, बिल्कुल ठीक, 2018 में ये सब बाप में चले गए। तो बाकी जो नज़रियाती पार्टी हैं वो अपनी जगह पे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, यहीं से बहुत अहम नुक्ता, बलूचिस्तान की जब भी हम बात करते हैं तो एक मेन स्ट्रीम का, अगर मैं आपको ये मेजॉरिटी का, पता नहीं मेजॉरिटी कहना ठीक भी होगा या नहीं होगा, लेकिन चलें जो हमारे मेन स्ट्रीम इलाके समझे जाते हैं पंजाब के एरियाज में, एक परसेप्शन बना हुआ है कि बलूचिस्तान का नाम आते साथ ही लोग कुछ बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, कुछ एंगजाइटीज़ हो जाती हैं, और परसेप्शन ही बना हुआ है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पे जो वो है अपना आर्म्ड ग्रुप्स हैं, और वहाँ पे नफ़रत है, वहाँ पे अपना वायलेंस है, लोग अग्रेसिव हैं। तो ये परसेप्शन तो कहीं ना कहीं मिलता है, जो कि एक ठीक है, गलत है, उसके ऊपर बात की जा सकती है। सवाल सर मेरा ये है कि आपके अपनी दौरे हुकूमत में भी यू आर द पर्सन हु लेड द रिकंसिलिएशन प्रोसेस, और ये वो वक्त था कि जब काफ़ी अरसे की एक अपना एक अनरेस्ट के बाद आहिस्ता आहिस्ता पीस आना शुरू हुआ, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही थी, हथियार डालने शुरू किए लोगों ने, लोग वापस से स्टेट के एम्बिट में आना शुरू हुए, और काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई। आज की जो सिचुएशन है सर बलूचिस्तान की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि बलूचिस्तान को मैनेज करना भी बड़ा आसान है, उसको बिगाड़ना भी बड़ा आसान है। अगर भुट्टो साहब नैब की हुकूमत नहीं तोड़ती,
तो शायद 1973 की इंसर्जेंसी नहीं होती, क्योंकि नैप ने तो जीता था। इसी तरह 58 में अगर खान कलात को अरेस्ट नहीं करते तो शायद नवाब नौरोज खान का रिएक्शन नहीं आता। तो यहाँ पे भी यही हुआ, 77 के बाद हालात बड़े स्मूथ जा रहे थे। 35 साल में कोई इंसर्जेंसी नहीं थी, हम लोग सारे वजीर थे। 47 की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, मैं 77 की बात कर रहा हूँ, जब जियालक ने मार्शल लॉ लगाया, वो 73 वाली इंसर्जेंसी ख़त्म हुई सर। और सब जो है ना मार्शल लॉ के बाद इलेक्शन हुए 88 में, 90 में, 93 में, हम लोग 97 में सब यके बाद दिगरे हम वजीर रहे हैं, हमने पावर इन्जॉय किए हैं। फिर अचानक जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो बदल जाती है, और वो नवाब अकबर खान को, नवाब खैर बख्श मरी को जेल में डाल देता है, और नवाब अकबर खान को स्पीच करने की कोशिश कर लेता है और उसके घर पे हमला होता है। उधर से फिर अकबर खान की जब शहादत होती है तो ऑलरेडी वहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट्स का वो मौजूद था, लेकिन वो ज़्यादातर जमहूरी हवाले से आगे चल रहे थे, मिलिटेंट्स हवाले से नहीं। उनको उन लोगों ने फिर अपने आप को रिऑर्गनाइज किया, और एक और ख़ास तौर पर नवाब साहब की शहादत के बाद तो बलूचिस्तान का जो नौजवान था वो बहुत मुतासर हुआ। अब इसका हल ये था कि आप उनको एड्रेस करें, उनको वो अपॉर्चुनिटी दे दें कि वो रीथिंक करें कि जी अब वहाँ पे क्या किया, गायब करना शुरू की दी, ब्लड रेड बॉडीज़ का निकलना शुरू हुआ, और इससे रोज़ बरोज़ वो नफ़रतें बढ़ती गई। जब मैं आया तो मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि मियां साहब भी बैठे हुए थे, उसकी चेयर में हो रहा था, जनरल राहिल भी था, तो मैंने कहा कि जी अगर आप लोग मुझे इजाज़त देते हैं, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का मसला हर वक्त नेगोशिएशन से हल हुआ है, चाहे 77 में ज़ियाउलहक ने किया था, वो भी मीर वज़न जो और अपने हमारे नवाब खैर बख्श और सरदार थाउल्ला से, या नैब की लीडरशिप से, या इससे कबल हुई है। आप इसको गन पॉइंट पे ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने जब मुझे इजाज़त दी तो मैंने कोशिश की एक हद तक, नॉट 100% बट मोर देन 50% मैंने मुलाकातें की, एक दूसरे को राज़ी करने की कोशिश की कि जी ये जंग को हम ख़त्म करें, और आके वो काफ़ी हद तक आगे गया था। जी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा एक चीज़ सर मुझे ये बताइएगा कि एक जो सबसे बड़ा मसला अक्सर पढ़ने को सुनने को मिलता है, और जो कि एक बड़ा जेन्युइन इशू भी है, वो है सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशंस का, कि जब समाजी और माशी तौर पे महरूमियाँ या महरूमियों की जो परसेप्शन होती है वो बिल्ड हो जाए, तो उससे फिर नफ़रतें भी बढ़ती हैं, उससे ज़ाहिर है फिर वो एग्रेसिव एटीट्यूड्स भी बढ़ते हैं, और गैप भी बढ़ता है कहीं ना कहीं सेंटर का और अपना पेरिफेरीज का। तो सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन सर बलूचिस्तान में आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पोस्ट 18th अमेंडमेंट, क्योंकि आप ख़ुद भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के एक बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं सर, और 18th अमेंडमेंट को तो ज़ाहिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक चैम्पियन कहा जाता है, पोस्ट 18th अमेंडमेंट डेप्रिवेशन आज भी क्यों एग्जिस्ट करती हैं, कि जब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स जो कि प्रोविंसेस को मिल गए हैं और उनमें बलूचिस्तान भी शामिल है, तो वो डेप्रिवेशन या फिर वो जो नेशनल रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिवाइड की बात की जाती है वो क्यों नहीं हो रही थी? देखिए इसमें डिटेल्स में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान की जो इकोनमी है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ सर। बलूचिस्तान की जो इकोनमी है वो डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज, उसका तेल और गैस, मिनरल्स, उसका कोस्ट, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक है, ये हमारी मेन इकोनॉमी है। अब इसमें ग्रीवेंसेस इस तरह उभरे हैं कि फर्ज करें 57 में गैस तमाम पाकिस्तान में पहुंच जाता है, और इंडिया के बॉर्डर तक भी जाता है,
और यहाँ के जो है ना, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे कमर्शियल्स हों, चाहे घरेलवी हों, चाहे आपके जो है ना खाद हो, पेस्टिसाइड्स, ये तमाम गैस से, उसी गैस से जिसका नाम है सुई। और इसके बदले में अगर आप जाएं डेरा बुकटी में या सुई में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पसमानदा तरीन वो डिस्ट्रिक्ट है। इसमें दोनों का जो है ना वो शामिल है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट ने भी वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी वहाँ कोई, वहाँ अच्छे का, अगर 57 में आप अच्छे इंस्टीट्यूशन बना लेते तो डेरा बुकटी इस तरह नहीं होता। नंबर वन ये केस स्टडी है जी। दूसरा केस स्टडी संदक है। संदक को 30 साल के करीब हो रहा है या 25 साल के, तीसरा एक्सटेंशन है अभी चल रहा है, हमने चाइना को दिया है। 50% उसकी आमदनी है चाइना है, 48% पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट है, 2% रॉयल्टी सर बलूचिस्तान का है। अब इसके बदले में जो जिस डिस्ट्रिक्ट में संदक है वहाँ ना पानी है, ना वहाँ पे कोई अच्छा स्कूल है। मैंने जब मैं 93 में था चला गया, क्योंकि मेरी पार्टी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है अपना चागे डिस्ट्रिक्ट में और दालबंदीन में ख़ास तौर पर, तो वहाँ हमने इंटरमीडिएट बनाया। फिर 2014 में मैं गया, उसको हमने डिग्री की। पानी का मसला हमने, अब देखें ना, अगर लोग कहे कि वसाइल हमारे हैं, हम पे खर्च नहीं होते हैं, तो लोग रिएक्शन में चले जाते हैं। अगर यही वसाइल उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करें तो हर आदमी हाथ में पेट्रोल गवर्नमेंट का पकड़ लेता है या किसी कंपनी का, कि जी आओ मेरे इलाके में जो है ना खुदाई करो, शायद कुछ निकल जाए और मेरी किस्मत बदल जाए। डेरा बुकटी और दालबंदीन की किस्मत नहीं बदली। अब रेकोडेक के, रेकोडेक का भी यश होगा। अब जाएं सीपेक में और पोर्ट में, ग्वादर में जो पोर्ट है उसके 97-93% वो चाइनीज़ है, उसकी इनकम 7% फेडरल गवर्नमेंट है। ना बलूचिस्तान को टका मिलेगा, ना अपने ग्वादर को। फिर ये मतलब इस तरह से अगर आप समझते हैं कि चीज़ें ऑन बोर्ड हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ग्वादर के लोगों को आप जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगी, उसकी तशखस को आप जो है ना मेंटेन नहीं रखेंगे, उसमें जो है ना आप कोई ऐसी अदारा आप नहीं बनाएंगे कि जहां उसकी जो है ना तरबियत हो कि जब कब पोर्ट फुली ऑपरेट होगा तो ग्वादर के लोग लगेंगे। टेकों में आपको कारोबार में इसका कोई शेयर नहीं है, तो मासवाए वहाँ रेत और बजरी के जो लोकल हैं, बाकी सारे चाइना से आ रहे हैं, लेबर भी चाइना से आ रहा है। तो आप कहते हैं कि मैं एक सरमाया को अपने इलाके में इन्वाइट करता हूँ ताकि उसके फ़ायदे मुझे मिलें। ग्वादर वालों को या बलूचिस्तान वालों को तो अब नहीं, बाकी सीपैक था $58 बिलियन ये जितने आए उनमें हमारे यहाँ तो पीनट खर्च नहीं हुआ है। सर ये तो बिल्कुल बचा बात है कि नेशनल प्रोजेक्ट्स की जो बात की है उसमें तो चल ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल है, सेंटर का भी रोल है, लेकिन सर व्हाट अबाउट प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स? प्रोविंशियल प्रोजेक्ट भी मिसमैनेज है, इंतहाई करप्शन के शिकार है। बिल्कुल, देखिए हम कहते हैं कि हाईवे फेडरल गवर्नमेंट बनाए, वो हमारा जायज़ मुतालबा है। ट्रांसमिशन लेन फेडरल गवर्नमेंट बनाए, बड़े डैम फेडरल, लेकिन स्कूल तो हमें बनाने हैं ना, हॉस्पिटल तो हमें बनाने हैं, अपना जो है ना वाटर सप्लाई हमें बनाना है, सीवरेज हमें बनाने हैं। तो अगर हम कहेंगे जी तुर्बत की स्कूल को इस्लामाबाद वाला ठीक है, तो ये ज्यादती है। तुर्बत की स्कूल को अगर ठीक करूँगा तो मैं करूँगा या वहाँ का नुमाइंदा करेगा? तो ये दोनों जो है ना, मैं समझता हूँ कि दोनों कसूरवार हैं। बड़ी चीज़ों में फेडरल गवर्नमेंट है, छोटी चीज़ों में अगर यही बजट मिल रहा है, यही बजट भी बलूचिस्तान में सही मान में खर्च हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो करप्शन की जद में है। वहाँ के लोकल जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो एलीट्स हैं, उनका रोल कैसे देखते हैं सर? एलीट्स का काम एक्सप्लाइटेशन करना है, रिलीफ नहीं देना है। वो कहता है मजीद एक्सप्लाइटेशन हो, मजीद लोग जाहिल हों, मजीद लोग भूख से तड़पे ताकि वो मेरे मोहताज हो जाए। ये फिलॉसफी है। ठीक सर। सर एक दो सवाल और करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपका भी काफ़ी वक्त ले लिया मैंने। एक तो सर मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी सिचुएशन की जैसे भी बात हुई,
आपने जिक्र किया कि सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी बेहतर भी नहीं है और इतनी ख़राब भी नहीं है, डायलॉग की स्पेस है, पॉजिटिविटी की स्पेस है, रिकन्सिलिएशन की स्पेस है। लेकिन इस सब में सर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस का जो रोल है और एक्सटर्नल फोर्सेस की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके होते हुए आपको लगता है कि कोई भी निगोशिएशन, कोई भी डायलॉग, रिकन्सिलिएशन सक्सेसफुल हो सकती है? देखिए, मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का जो फैक्टर है उसको निगेट नहीं करता हूँ, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस उस वक्त इन्वॉल्व होते हैं जब मैं और आप लड़ेंगे। जब अगर हमारे हुक्मरान ये एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद थे 77 से 2002 तक, क्यों कोई नहीं लड़ा? जब आप मौके पैदा करते हैं तो लोग इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। अगर हम अपने घर को सही मानों में मैनेज करें तो बाहर की कोई मुदाखलत नहीं होगी। सही। तो आई एम स्टिल होप कि चीज़ों को मैनेज करने की तरफ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अगर संजीदा नहीं है और बातों में कहते हैं जी हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो ये बलूचिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। हमें जितने कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट हमारी वो है, चाहे इकोनॉमी के हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे कल्चर्स हैं, चाहे इंस्टीट्यूशनल हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम ख़त्म करें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो मिनिमाइज तो कर लें। अगर आप कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देंगे तो इसमें मज़ीद इंतशार होगी, इंक्लूसिवनेस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सर। दूसरी सर सवाल ये कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट, जिस तरह आपने कहा कि एलीट का तो काम है एक्सप्लॉइट करना, वसाइल की जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती ज़ाहिर है महरूमियाँ बढ़ती हैं, आपके ख्याल में सर जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है हमारे, वो जो एक फ्रेमवर्क है वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल? मैं समझता हूँ जितनी हमारी बड़ी पार्टियाँ हैं, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान की पार्टियाँ, हम इख्तियारात देने के हक में नहीं है। हम ज़रूर कहते हैं कि इस्लामाबाद से हम ले लेंगे, और इस्लामाबाद भी हमें जानता है, जब भी उनको बहुत बड़ी एग्रीमेंट करनी हो तो वो ऐसी वज़ीर आलम लाएगा कि जो ना कर सके। अब मैंने रेकॉर्ड एक्ट पे ना किया, नहीं हुआ। मैंने संदक पे ना किया, नहीं हुआ। पीपीएल पे ना किया, नहीं हुआ, मेरे दौर में नहीं हुए। मैंने कहा अगर करना है तो 50% संदक का मुझे दे दो, 50% फेडरल गवर्नमेंट उसका है, चाइना का है। लेकिन नहीं, रेकॉर्डिंग पे तो अभी 25% मिला उसको। टू टेन वो अगर एग्रीमेंट आ जाए तब पता चल जाएगा आप लोगों के वो क्या है। वो 25% नहीं है, उसमें एक हिस्सा है जो मुफ्त का है, एक हिस्सा है जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसकी इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है कि रेकॉर्ड खत्म होगा, उस हिस्से के पैसे आप नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ना। रेकॉर्डिंग तो अभी तो एक बात है जो अभी तक जो जब तक ब्लैक एंड वाइट में नहीं आएगा हम क्या उसके बारे में कह सकते हैं, डिटेल्स उसकी पब्लिक होंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकल बॉडीज के बगैर डेमोक्रेसी मुमकिन ही नहीं है। हमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। फर्ज करें, पहली बात तो ये है कि हमने नेशनल फाइनेंस वो ले लिया है, हमें फाइनेंस अवार्ड, हमें प्रोफेशनल फाइनेंस अवार्ड की जानिब जाना चाहिए। बिल्कुल। नंबर वन, हम वो महकमे जो लोकल बॉडीज मैनेज कर सकते हैं, फर्स्ट करें हमारी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, डिस्पेंसरीज, BHUs, वाटर सप्लाईज, सैनिटेशंस, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप UC नाजमों के जरिए, मेम्बरान के जरिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल कमेटी में, कौंसलान के ज़रिए आप ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। एक वज़ीर बैठा हुआ है क्वेटे में और वो 1000 किलोमीटर जो है ना मंद के बॉर्डर पे, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, उसको किस तरह मैनेज करेगा? सेम पॉसिबल। मैं तो चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड हूँ, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में कोई पावर नहीं होना है, वही पावर होने चाहिए जो उनकी ज़रूरत के हैं। बाकी क्वेटे में कोई पावर नहीं होना चाहिए,
जितने उसकी ज़रूरत के हैं वो हो जाएं, बाकियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनियन काउंसिल लेवल पे जाना चाहिए, तब जाके हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनेंगे। अब वो हमारे पास लोकल बॉडीज़ का जितने, मैं आया 2013 में, बलूचिस्तान के हालात इतने ख़राब थे, मैंने लोकल बॉडीज़ का वो ऐलान किया, मैंने कहे एक वाकया नहीं हुआ, सिंगल वाकया। आप अगर हिस्ट्री को देखें, पहला लोकल बॉडीज़ हुए थे वो बलूचिस्तान में हुए, बाकी किसी जगह पे नहीं हुए थे। मेरे तमाम कोलेशन गवर्नमेंट जो है ना वो इतराज़ कर रहे थे, पार्टनर्स, लेकिन जब मैंने किया कहते वाह वाह, एक वाकया नहीं हुआ, सिंगल, ना हुकूमत इन्वॉल्व रहा, ना कोई लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा। पिछले साल बलूचिस्तान में हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमाम लोकल बॉडीज स्मूथली हुए। देखें आप लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोक्रेसी मीन पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वो तो यही है कि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो है ना पार्टिसिपेशन में वो कर लें। आखिरी सवाल सर, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पोस्ट US विड्रॉल अफगानिस्तान का स्पिल ओवर देखते हैं बलूचिस्तान पर सर, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर रीजन है वो ज़ाहिर है बहुत पोरस है। देखिए मैं तो आपकी बात को समझ गया, मेरी ज़ाती राय ये है, पार्टी पॉलिसी ये है कि हम तमाम हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखें, चाहे वो पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टेक्ट हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे डिप्लोमेटिक वो हो, क्योंकि हमसाए नहीं बदलते हैं। अगर हमने हमसाए के साथ ताल्लुकात ठीक किए तो अमेरिका का कोई भी प्रॉब्लम हम पे वो नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो कोई भी उनसे फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल ठीक, अगर हम अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि दिस इज़ अब ये एज है इकोनॉमी का, अगर आप इकोनॉमी को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं तो फिर दुनिया आपको इम्पोर्टेंट नहीं देगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी गुफ्तगू करके सर, हमेशा की तरह आज भी बहुत मज़ा आया, बल्कि आपके साथ तो जब भी गुफ्तगू करता हूँ सर तो वो एक शेर जहन में गर्दिश करता है कि हम नगमा सरा कुछ गज़लों के, हम सूरत घर कुछ ख्वाबों के, तो आप भी सर उसी तरह से नगमा सराएँ कुछ गज़लों के, सूरत घर कुछ ख्वाबों के, लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तजर्बा बहुत ज़्यादा है, और हमेशा की तरह काफ़ी सैर अंगेज गुफ्तगू रही सर, आपकी आमद का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, बहुत शुक्रिया। मैं आपके और आपकी टीम का मशहूर हूँ सर, थैंक यू वेरी मच।